जाने माने व्यंग्यकार ज्ञान चतुर्वेदी आज ऊटपटांग सवालों से निकली विचित्र उपमाएं लेकर आए हैं। वे देशभक्ति के नाम पर तिकड़मों और मौका परस्ती के मिश्रण और उससे पैदा होने वाले खतरों को रेखांकित कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं उनका स्तंभ नाकाहू से बैर। आज हम ऊटपटांग उपमाएं देते हैं और ऊटपटांग प्रश्न निकालते हैं। एक अलग सा प्रयोग है व्यंग रचना का, जरा सुनिए, मजेदार है। जरा सुन, उन उपमाओं पर ध्यान दीजिएगा जो मैं बना रहा हूं। सुनिए, किसी महापुरुष के श्री चरणों की एक मुट्ठी धूल मिल जाए, उसमें एक तसला भर राजपथ की धूल मिट्टी मिला दें, फिर सरकारी नल का पानी डालकर इसे गूंथा जाए, तो उससे जो बेपैंदी का मिट्टी का लौंदा तैयार होगा, उसी मिट्टी के बने हैं वे। उन्होंने एक मुट्ठी धूल, धरती की धूल, अपनी मात्र भूमि की धूल का वास्ता देते हुए पूरा जीवन निकाल दिया। इसी धूल के नाम पर वे 3 बार मंत्री बने, 4 बार चुनाव जीते, 10 बार पिटते हुए बचे और हर बार जेल जाते आते रह गए। दरअसल उनकी पार्टी में एक महापुरुष के चरण कुछ देर को पड़े थे, बस वहीं की मिट्टी खोद लाए हुए। जैसे कांग्रेस में गांधी जी वाला गड्ढा तो आपने देखा ही होगा कि जिसकी मिट्टी आज भी चुनावी राजनीति के लिए मुफीद मानी जाती है, हालांकि उसमें गांधीवाद बहुत गहरे दफन हो गया है, बट ठीक वैसे ही गड्ढे हैं हर पार्टी में किसी न किसी महापुरुष के चरणों के, जहां से मिट्टी खोद खोद के पार्टीजन अपना स्थान बनाते हैं। अब एक और आगे बढ़िए, एक और उपमा सुनिए कि अवसरवाद की गोंद का एक पेड़, गोंद का पेड़ होता है, और अपने नीच इरादों का मजबूत घड़ा लेकर कोई आए और तिकड़मों की चाकू से छील छील कर वो यहां वहां से गोंद निकालकर घड़े में धरकर उस पर जोड़ तोड़ का कपड़ा बांधकर सिद्धांतों की कुठरिया में धर दे और फिर अवसर पाकर किसी भी कुर्सी पर इसी गोंद को चुपड़ कर वो बैठ जाए, ऐसा बैठा करते हैं वो। फिर वो उठते नहीं, उठते हैं तो कुर्सी साथ उठती है। पिछवाड़ा कहां समाप्त होता है और कुर्सी कहां से शुरू होती है पता ही नहीं चलता, सीमलेस ज्वाइंट जैसा बनता है। फिर वे गोंद की हड्डियां भी साथ ही रखते हैं, पकड़ कमजोर हुई और निकालकर और चुपड़ लेते हैं। समर्थन की गोंद, जोड़ तोड़ की हड्डिया की गोंद, कुर्सी के लिए बना शरीर, सत्ता में घुसी आत्मा, कुर्सी से हटाओ तो चमड़ी वहीं चिपकी हुई रह जाए। एक और उपमा सुनिए, गांधी जी की लाठी के 4 टुकड़े किए जाए और उससे कुर्सी के 4 पाए बनाए जाए, और फिर इस गांधीवादी कुर्सी में पुलिस की लाठी के भी 4 टुकड़ों की एक पीठ बनाई जाए, उसकी पीठ लगा दें, और फिर इस कुर्सी को गांधी जी के चरखे पर कते सरकारी सूत से इस कुर्सी को बुनकर और उस पर फिर एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के फोम की गादी धरकर अंततः निर्मम सत्ता की जो तथाकथित सर्वहारा बैठक बने, जो कुर्सी बने, उसी पर विराज कर मुस्का रहे हैं वे। बहुराष्ट्रीय किस्म की देशभक्ति में सने नेताओं की गिरफ्त में है यह देश आजकल। एक और सुनिए कि तिरंगे से चक्र चुराकर कोई अपने राजनीतिक ठेले में पहिए की जगह उसे लगा ले, देशभक्ति की चाल में अपना ठेला ढकेले, परंतु उसी ठेले पर उसी तिरंगे का या तो बस एक कलर कोई ले ले, या तो बस केसरिया या फिर केवल हरा, और बेबस देश के हाथ में बस तिरंगे का श्वेत रंग रह जाए, जिससे आत्मसमर्पण वाला सफेद झंडा बनाकर देश के समस्त समझदार इस सांप्रदायिक ठेले के सामने नतमस्तक हो जाएं, ऐसा चाहते हैं। तिरंगे के सारे रंगों को यदि ये सांप्रदायिक शक्तियां यूं ही बांट लेंगी तो हमें तो तिरंगे के गुम हो जाने का डर है, पर वे ना डरते हैं ना परेशान होते हैं, उनके रंग का तिरंगा झंडा लहराता रहे, तिरंगे की बस ऐसे ही।
और आखिरी चीज 26 जनवरी का दिन हो और देश इसे गणतंत्र दिवस न मानकर बस एक गजटेड हॉलीडे माने, पिकनिक पर जाकर तमोला खेले, शहीदों को विसरा दे और 15 अगस्त अगर सोमवार को पड़ रहा हो तो देशभक्त नागरिक के कैजुअल लीव और संडे मिलाकर पति पत्नी के साथ ससुराल जाने का शुभ अवसर मानकर स्वतंत्रता दिवस का स्वागत करें। ऐसी मानसिकता वाले दिन है ये। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस अब मात्र एक गजटेड छुट्टी है और देशभक्ति मात्र पैसा कूटने का एक अचूक अवसर। वे स्वयं इन दिनों की पैदाइश हैं या ये दिन इनके द्वारा पैदा किए गए हैं पता नहीं चलता। बल्दियत के दिलचस्प प्रश्न इनको देखकर उठते हैं, बड़े ऊटपटांग प्रश्न उठा करते हैं मेरे मन में इन दिनों। बड़ी ऊटपटांग उपमाएं निकलती हैं, कभी सोचो तो घबराहट से होती है। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।